हेलो एंड वेलकम टू ट्यूशन एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो। पहले आज आम सप्तम श्रेणी गणित विभाग पंचम अध्याय परिमेय संख्या 5.1 जोटा अनुशूलनी 5.1 तार समस्त क्वेश्चन को सॉल्व करवा। ठीक अच्छे, पूर्व आम परिमेय संख्या संबंध में आलोचना कर सारी, परिमेय संख्यार प्रामाणिक रूप संबंध में आलोचना कर सारी, धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या केमी चिन्हा, परिमेय संख्या और भग्न संख्या मध्ये थिवा पार्थक्य ताको मध्ये आलोचना करनी छथि। ताहरी आधार रे जहाँ आम डिस्कस करिछे प्रीवियसली, ता आधार रे आज रही एक्सरसाइज को आम अनुशूलनी को आम आज सॉल्व करिया। तेपले सीधा अनुशूलनी आरंभ करिया। ठीक अच्छे ना, चलो देखिबा कौन अच्छे। सीधा आम अनुशूलनी को सीधा जीवा, अनुशूलनी कौन अच्छे देखिबा। से कहते निम्न परिमेय संख्या गुड़िक मध्य धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या गुड़िक चिन्ह तो कर। अच्छा, धनात्मक बा ऋणात्मक चिन्हा केमी, परिमेय संख्या धनात्मक बा ऋणात्मक चिन्हा केमी, लब बा हर रे जदि ऋणात्मक चिन्ह थिबो। ठीक अच्छे ना, तो जदि ऋणात्मक संख्या संख्या थिबो, लब हो बा हर रे जदि ऋणात्मक संख्या थिबो, तो सेते बेले कोन आइतो ना ताको आमे ऋणात्मक परिमेय संख्या बोली कहिबा। मु आउ थरे रिपीट करछि, मु या भितरे गोटे भल जिनिस कहि सारछि, लब बा हर रे। ठीक अच्छे ना, जदि ऋणात्मक संख्या थिबो तेबे आमे से परिमेय संख्याटी को ऋणात्मक परिमेय संख्या बोली कहिबा। लब बा हर रे उभय रे नुह, जदि लब एवं हर उभय रे ऋणात्मक संख्या अछि तबन सेडा होची धनात्मक परिमेय संख्या। प्रमाण करि मे देखै देबे। आगे प्रथमे कोन करूची ना, पहिले आगे प्रथमे कोन करूची ना, आगे धनात्मक गुड़ी को लेखुची, गोटे साइड रे धनात्मक रो कॉलम मन बनाउची, धनात्मक पई गोटे सारणी बनेबा, आ गोटे बनेबा होची ऋणात्मक पई सारणी बनेबा। ठीक अछि ना, ऋणात्मक पई बनेबा। किसी कन्फ्यूजिंग केसेस आसो, किसी डायरेक्ट केसेस आसो, आगे डायरेक्ट जहाँ अच्छे धनात्मक पाँच विभक्त पाँच प्रथम टाकू लिखीदे पाँच विभक्त पाँच आउ किए आसपार बोले ना सर दुई विभक्त न आस। अच्छा, दुई विभक्त न आसा अनदर वन आउ किए आसपार बोले खोजा ना सर पाँच विभक्त बार आसपार थर्ड वन पाँच विभक्त बार खाली धनात्मक पार्टी गुड़िक नहीं जाओ जो ऋणात्मक चिन्ह टोटाल नहीं आउ किए आसो ना सर आउ कहीं तो लगुनि देखा पर चिंता करवा। ऋणात्मक किए आसो ना ये गोटे अच्छी तीन विभक्त माइनस पाँच, तीन विभक्त माइनस पाँच। ठीक अच्छे ना, तीन विभक्त माइनस पाँच एटा गोटे लिखीदे भाई, एटा को अल्टरनेटिवली लिखा जाता है माइनस थ्री बै पाँच जहाँ भी लिखाई था। ठीक अच्छे सर, ये दुईटा कैसे सर लब रे भी आर में बहुत जगह आप रही जा माइनस सिंबल मानने लब हर दुईज जाक होती ऋणात्मक संख्या भल ये भी ऋणात्मक संख्या ये कि अच्छे केवल लब अच्छे तो यहाँ को आगे लिखी नहीं जो गुटा कन्फ्यूजन लेटर पार्ट आम सल्व करवा। तापरटा भी अच्छी माइनस पंद्रह विभक्त अठाई सी भी होती ऋणात्मक माइनस पंद्रह विभक्त अठाई तापरटा को देखी देखे पहले पाँच विभक्त माइनस छः पाँच विभक्त माइनस छः चला ये कथ आमको जना अच्छे बाकी प्रॉब्लम क्रिएट कले कौन दुटा कला ना सर यहाँ गोटे अच्छी अनदर अनुटा। अच्छा, माइनस तीन विभक्त सतर पिले देख मैक्सीम पा जना थो जहाँ को जब जना ना मुझे माइनस तीन विभक्त सतर लिखा जहाँ तीन विभक्त सतर लिखा एका कला मुझे स्टेटमेंट कही कौन ना लब हो बा हर हो दुई जन भितर जड़े ऋणात्मक हेले से ऋणात्मक परिमेय संख्या हो दुई जन मध्य जदि दुई जन जाक ऋणात्मक हूँ तेज से ऋणात्मक परिमेय संख्या हे ना से धनात्मक होमती हो देखा। हाँ, जदि पे मुझे उभय लब आउ हर में माइनस वन को गुणन करदे के गुणन कले पे ना माइनस वन को मुझ गुणन कले तो फिर ये मोर हो मत मिल तीन विभक्त सतर धनात्मक मिलला सर अन्य केसेस रे माइनस वन धर जाओ यहाँ नहीं माइनस तेर डिवाइडेड बाय नाइन मुझे जब उभय लब आउ हर में माइनस वन गुणन कर तुम मत कौन मिलूँ देख सामान राशि मुझे उभय लब आउ हर गुणन कर तो ये जो मोर तेर डिवाइडेड बाय माइनस नाइन बर्तमान भी ये से ऋणात्मक ही रहा तेर विभक्त माइनस न लिखा जहाँ माइनस तेर विभक्त न लिखा ऐसा कथा। ठीक अच्छे ना, तेणु जदि तुम्हें देख उभय लब आउ हर ऋणात्मक राशि अच्छी उभयटार केवल गोटे नुह उभयटार जदि ऋणात्मक राशि अच्छी लब हर तेज से तुम धनात्मक संख्या बोली गणना कर तो ये लिखिदे पारे माइनस तीन विभक्त सतर माइनस सतर आउ गोटे हूँ माइनस पचीस विभक्त माइनस छ क्लीयर ना कि प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आड़े टी जा निम्न परिमेय संख्या गुड़िकर से प्रामाणिक रूप से प्रकाश कर प्रामाणिक रूप कथा आगर तुम्हें जाच कौन कर प्रथम स्टेप प्रामाणिक रूप कौन टेस्ट करा कराए
ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ପାଇଁ ଆଗ ଗୋସାଗୁ ଏକ ହେଉଛି ନା ଏକ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏକ ହେଉନଥିବ ତେବେ ସିଏ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିରେ ତା'ର ଗୋସାଗୁକୁ ସେଥିରେ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ହରଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, -22/55 ହେଉଛି 55। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, 22 ମାଇନସ୍ କଥା ଭୁଲିଯା, ଲବରେ ତ ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ହରରେ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋର ସେ ଋଣାତ୍ମକ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ହର ଧନାତ୍ମକ ଥିଲା ହେଇସାରିଛି, ପ୍ରଥମ ଦେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଓ 55ର କ'ଣ ବାହାର କରିବି ମୁଁ, ଗୋସାଗୁ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। 22 ଆଉ 55 ଗୋସାଗୁ କେତେ ହେଉଛି ନା ପିଲେ, ଏଇଟା 22, ଏଇଟା ହେଉଛି 55। ଯଦି 11ରେ ମୁଁ ହରଣ କରିବି, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, ତାହେଲେ ଗୋସାଗୁ କେତେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ହେଉଛି ନା 11। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତେବେ, ଉଭୟ ଲବ ଆଉ ହରକୁ କେତେରେ ହରଣ କରିବି ନା 11 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବି। ତ 55 ହରଣ ଚିହ୍ନ ଦେଲି 11, ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଦେବ କେତେ ବୋଲେ -2/5, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇଟା କାହାର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ହେଲା, -22/55ର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିମିଲାରଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିନେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ, ନା ହରରେ ଦେଖ, ଖ ନମ୍ବରଟାକୁ ଚେକ୍ କର, ହରରେ ତୁମର ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ତ ତାକୁ ଧନାତ୍ମକ କେମିତି କରିବା ଆଗରୁ କହିଛି। ଖ ନମ୍ବର ଉଭୟ ଲବ ଆଉ ହରରେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ନା -1କୁ ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ସଦା ଡେଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ କେତେ, -16/ ସିମ୍ପଲି 24। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା, 16 ଆଉ 24ର କ'ଣ ବାହାର କରିବା ଆମେ, ଗୋସାଗୁ ବାହାର କରିବା। 2 ଷ୍ଟାଙ୍ଗ 16 ପିଲେ, 2ରେ 12 ଗୁଣିଲେ ହେଉଛି 24। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି 2ରେ ମୁଁ ଭାଗ ଦେବି, 2 × 8 2 × 6 = 12, ପୁଣି ଥରେ ଯଦି 2ରେ ଭାଗ ଦେବି ତ ମୋତେ ଦେବ 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6। ତ ଗୋସାଗୁ କେତେ ପାଇଲି ପିଲେ, ନା ସାର୍ ଗୋସାଗୁ ମିଳିବ ମୋତେ 2 × 2 = 2 = 8, କରେକ୍ଟ। ତ ମୁଁ ସେ 8କୁ କ'ଣ କରିବି, ଉଭୟ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ -16/24, ଏଠି ଉଭୟ ଲବ ଆଉ ହରରେ 8କୁ ମୁଁ ହରଣ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲା କେତେ, -2, ଏହା ମୋର କେତେ ନା 3, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ, କରେକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ନିଜ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଏ କର, ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ, ବହୁତ ଇଜି, ଗ ନମ୍ବର ବି ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ସେ କହୁଛି 77 ଆଉ ହେଉଛି କେତେ 132, 77 ଆଉ 132, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ଧନାତ୍ମକ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧନାତ୍ମକ ଋଣାତ୍ମକ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କରିବାର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମର ହରଟା ଧନାତ୍ମକ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା, ହର ତ ଧନାତ୍ମକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ବାକି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋସାଗୁ ବାହାର କରିବା, ଗୋସାଗୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଉଛି କି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ 11ରେ ହରଣ କରେ ନା, 11ରେ 7 ଗୁଣିଲେ 77 ହେବ ପିଲେ, 77 ହେବ, 11ରେ 1 ଏଇଟା ହେଉଛି 2, 11ରେ 12 ଗୁଣିଲେ 132 ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପାଇଲି କ'ଣ ନା, 77 ଆଉ 132ର ବା 132ର ଗୋସାଗୁ ହେଉଛି କେତେ ନା 11। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପିଲେ, ନା ଏଠି ଲେଖିବି 77/132, ସେଥିରେ ହରଣ କେତେ କରିବି ପିଲେ, ନା ଉଭୟ ଲବ ଆଉ ହରରେ 11କୁ ହରଣ କଲେ ମୋତେ ମିଳିବ ଏଠି 7, ଏଠି ମିଳିବ ହେଉଛି 12। ତ ଗ ନମ୍ବରର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ କେତେ ହେଲା ନା, 7/12, କ୍ଲିୟର। ଦେନ୍ ଘ ନମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବା, ଘ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ଏଠି ଚେକ୍ କଲ ନା, 64/24, ଦୁଇଟା ଏକ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ହର ମୋର ଧନାତ୍ମକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, 64 ଆଉ 24ର ଗୋସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯଦି ପିଲେ 2ରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭାଗ କରିବି, ଏ କେତେ ଦେବ କହିଲ 32, ଆଉ ଏପଟେ ତ ଦେବ ମୋତେ ହେଉଛି 12। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ମୁଁ 2ରେ ଭାଗ କରୁଛି ତ ଇଏ ହେବ ମୋର 16, ଏଇଟା ହେଉଛି 6। ପୁଣି ଥରେ ଯଦି 2ରେ ଭାଗ କରିବି ତ ଇଏ ହେବ 8, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର 3। ତ ଗୋସାଗୁ ମୋତେ ମିଳିଲା କେତେ ପିଲେ, ଗୋସାଗୁ କେତେ ମିଳିଲା, ଗୋସାଗୁ ସମାନ 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2
छन है आठ से गोसा को मु कौन करी ना 64 हरण 8 लब हर से भाग करी 24 हरण 8 तो फिर ये गला पिल्ला के 8 विभक्त 3 ठीक अच्छे। ओके लास्ट वन वो नंबर ठीक अच्छे ना वो नंबर देखिए उभय लब आउ हर से ऋणात्मक संख्या अच्छे ये आहरी ना तो उभय लब आउ हर से जब ऋणात्मक संख्या अच्छे तो वास्तव में से संख्या धनात्मक ना ऋणात्मक से वास्तव में धनात्मक या पूर्व क्वेश्चन आम सेम करते -27 डिवाइडेड बाय अच्छे कहते -15 यदि मुझ लब आउ हर से -1 गुणन करी तो ये जो पे -27 गुणन 1 -1 डिवाइडेड बाय एटा हम -15 गुणन -1 ठीक अच्छे ना यदि देखा जाऊनि आउ थे क्लीयर कर लिखी दे तो फिर मतलब फाइनल आंसर मिले के 27 विभक्त 15 बर्तमान या मिनिमाइज कर लघिष्ट आकार करमी कर 27 आउ 15 रण बाहर करेंगे पे 27 आउ 15 गसा को बाहर करवा 27 आउ 15 कौन बाहर करवा गसा को बाहर करवा तीन नुआ 27 तीन पंचा तीन 9 गुणले 27 मिले तीन 5 गुणले 15 मिले तो गसा को होगा मोर कहते हैं 3 ठीक है गसा को मिला पे ना सर गसा को मिलला हूँ 3 गसा को इज इक्वाल टू 3। ओके तो या लिखी कमी ना 27 हरण 3 डिवाइडेड बाय 15 हरण 15 हरण 3 तो यहाँ हो पे 9 डिवाइडेड बाय 5 जोटा कि हूँ मोर -27 डिवाइडेड बाय -15 रो प्रामाणिक रूप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा टीके ठीक अच्छे ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन ना -55 डिवाइडेड बाय -27 को प्रामाणिक रूप से प्रकाश करिवार सोपान गुड़ी को लेख ठीक अच्छे ना। अच्छा देख स्टेप लिखा कथा से कहे ना ओह देख प्रथम कथा हूँ ना -55 और -27 यहाँ हूँ धनात्मक ना यहाँ हूँ ऋणात्मक प्रथम कथा से आगे चेक कर प्रथम चेक कर जे उभयटार ठीक अच्छे ना उभयटार ऋणात्मक अच्छी ना उभय धनात्मक अच्छी ना गोटे ऋणात्मक गोटे धनात्मक अच्छे ना ये देखे उभय जाक ऋणात्मक अच्छे तेणु ये आम प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली जब उभय लब आउ हर ऋणात्मक अच्छी वास्तव में से संख्याटा हूँ एक्चुअली धनात्मक एत कथा आमको भल भाव जना अच्छी तेणु आम कौन करवा ना डायरेक्टली सपान वन लिखिद कौन लिखीपिले सपान एक ठीक अच्छे ना सपान एक ओके कौन कौन लगे जान देखा पे सपान एक रे कौन करवा पे ना 55 और 27 रो गसागु कते हो पिले ना आगे गसागु बाहर कर 55 आउ 27 ठीक अच्छे 55 आउ 27 कौन थे भी कटुची कौन थे भी कटुची 55 आउ 27 रो साधारण गुण किसी ना जब जान न पार देखा 55 लिखा जहा एक गुणन 5 गुणन 11 एमती लिखते ना 11 55 तो 55 गुणन गुड़िक गोटे हूँ 1 गोटे हूँ 5 गोटे हूँ 11 जदि 27 लिखी 27 हूँ कहार कह कह ना 1 27 गुणन गोटे 1 आसो 3 आसो 9 आसो आउ कई अच्छे आउ 27 से निजे तो दुईटा केसेस आम देखिले कौन यहाँ साधारण गुणन हूँ मात्र 1 एक हूँ साधारण गुण तेनालीर गसा के वन सर सपान टू को आस प्रथम सपान कौन कले गसा बाहर कर दीजिए सपान टू कौन करवा कहीं कौन है अच्छा सपान टू रे कौन करवा ना उभय संख्यार उभय लब आउ हर लिखिद भलसे ठीक अच्छे ना गसा को एक हो गसा एक गसा को जेहेतु तुम एक होती कौन करवा ना दत्त संख्यार चौंटा दि जाए ठीक है ना दत्त संख्यार लब अहर को एक अच्छी उभयों कैसे से माइनास अच्छी तेणु कौन करी ना माइनास वन द्वारा
हरण करा जाऊ, ठीक अच्छे ना, हरण कर सरला। तो या द्वारा मत मिल कौन, हरण कर, तो सपन तीन लिखिदेव सपन तीन रे कौन कर, जहाँ कहवाप कहला से माइनास 55 डिवाइडेड बाई माइनास 27 को हरण करने हरण माइनास वन ये लिखिदेव हरण माइनास वन। तो ये फाइनाली जो पिला के 55 विभक्त 27 ये सपन थ्री शेष। बुझेगा बुझेगा पे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को खाली स्टेप लिखापी निम्न परिमेय संख्या गुड़िक भिन्न भिन्न संख्या रेखा उपर दर्शा अलग अलग संख्या रेखा उपर दर्शाई से कहते हैं ठीक अच्छे। प्रथम दुई विभक्त तीन को देखा। अच्छा पूर्व आम जमी आम पढ़ी पूरा एक्जाक्टली सेमती जावा दुई विभक्त तीन आगे डिसाइड कर। प्रथम भाविक देख दुई विभक्त तीन टा प्रकृत भग्नांश ना अपकृत भग्नांश, सर दुई विभक्त तीन हूँ प्रकृत भग्नांश करेक्ट। जदि गोटे से भग्नांशी प्रकृत भग्नांश तेज सी क्या क्या मध्य एक्जिस्ट कर रही है सर ए शून आउ एक रहा धनात्मक अच्छे। जदि ऋणात्मक होता है शून माइनास एक भितर रही था जेहेतु धनात्मक अच्छी और प्रकृत भग्नांश अच्छी तेणु सी क्या क्या भितर रहा शून आउ एक भितर रहा। अच्छा शून रु एक दैट मीन ओ पॉइंट रु ओरीजिन जो मूल बिंदु एति जो रास्ताटा ठीक अच्छे ना एक मुझे भाग करी सामान सामान तीन भाग करेंगे सर एक दुई तीन है ना फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट रहा थर्ड पार्ट दुई व्यक्त तीन तीन भाग हो सारी से भाग मुझे ना दुई भाग सपोज ये जो बिंदुटा ये जो दर्शनिंग करा पी बोली मान ली ठीक अच्छे ना। तो ओ टू पी पर्यंत आसली तो फिर ओपी इज इक्वाल टू दुई विभक्त तीन क्लीयर। बुझीगला किसी अब्जेक्शन अच्छी बुझे बोली मोर मोर विश्वास ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कौन बोले ना माइनास फोर विभक्त फाइव पे माइनास अच्छी इन द सेन्स एथर कौन बुझुचे माइनास अच्छी बोले माइनास अच्छी बोले आम ये बुझुचे जे मूलबिंदु बाम पार्श्व को आम जा कौन दिग्क जा मूलबिंदु ना सर मूलबिंदु बाम पार्श्व को जी ठीक अच्छे बाम पार्श्व को जी किसी असुविधा ना। तापर कथा हूँ माइनस तो इंडिकेट कला मूलबिंदु आम को जी संख्याटा एक्चुअली के सर चारि विभक्त पाँच अच्छी कहे चारि विभक्त पाँचटा ये प्रकृत भग्नांश ना अपकृत भग्नांश सर प्रकृत भग्नांश तेल चारि विभक्त पाँच जो गोटे प्रकृत भग्नांश हुए प्रकृत भग्नांश सब क्या क्या मध्य एक्जिस्ट कर पार हुए ना शून रु एक जेहेतु ये माइनास तेणु ये क्या क्या भितर रहा सर शून रु माइनास एक भितर रक्ट शून रु माइनास एक भितर रेणु शून रु माइनास एक भितर या ये जो लाइनटा ओ टू ए डाश ओ रु ए डाश या मुझे भाग करी सर पांच भाग करेंगे सपोज एक दुई तीन चार पाँच गणिज एक दुई चार एगार कले पांच भाग तीन चार पांच भाग कले ठीक अच्छे केते भाग ने भी? ना सर चारि भाग ने एक दुई तीन चार भाग ने दैट मीन यो पॉइंटा यटा को हूँ मोर सरी ये टिके बढ़ी गला ना ये टिके कम कर ओ पर्यंत आसवे ये जो पॉइंटा को सपोज यू पी बोली मान ली पॉइंट हूँ मोर किए ना बिंदुटा को मुझे पी बोली मानदे जो जो लगेगा सी ठीक है ना। बर्तमान लिखिदेवी ओपी इज इक्वाल टू माइनास फोर डिवाइडेड बाय फाइव क्लीयर। बुझीगला पे किसी अब्जेक्शन ना नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट गो नंबर को चलो। हाँ ये गोटे अपकृत भग्नांशर कथा से कहे। अच्छा सी कहे माइनास एट डिवाइडेड बाय थ्री माइनास एट डिवाइडेड बाय थ्री। अच्छा शुणु जदि ये माइनास एट डिवाइडेड बाय थ्री अच्छी माइनास सिंबलटा कौन इंडिकेट कर सर मूलबिंदु बाम पार्श्व को जी मूलबिंदु बाम को जीवा माइनास काम सरला बाकी रहा किए पे ना एट बाय थ्री। अच्छा एट बाय थ्री टा प्रकृत भग्नांश ना गोटे अपकृत भग्नांश सर एट बाय थ्री हूँ अपकृत भग्नांश कहीं लब बड़ हर जदि सान मत जदि जार मन नहीदे लब बड़ ओ हर सान हेले हर सान से कैसे आम कौन कौन अपकृत भग्नांश बोली कहे। तो ये भग्नांशा को मिश्र को कन्वर्ट करने पड़े मिश्र भग्नांश आने पर पड़े केमी आने ना आठ तीन को हरण करवा तीन दुणे छः तीन दुई गुणा छः है बड़ी पड़ा हूँ दुई
तो ये है लगते दुई पूर्ण दुई विभक्त तीन ता अर्थ ये संख्याटा दुई ठू टिके किछि अधिका किंतु तीन ठू सान दैट मीन्स दुईटा दुई पूर्ण दुई विभक्त तीन ठू सान आउ तीन ठू माने हो दुईटा या ठू सान आउ जो दुई पूर्ण दुई विभक्त तीन टी तीन ठू सान एत कथ बुझे दैट मीन्स एट बुझे फाइनाली आम कौन पाइले ना संख्याटा क्या क्या भितर एक्जिस्ट कर सर दुई आउ तीन भितर र संख्याटा दुई एवं तीन मध्य अवस्थान कर ठीक अच्छे अच्छा किंतु कौन दिगरे वर्तमान जेहेतु ये नेगेटिव माइनस था तेणु मूलबिंदु वाम पर्श को मूलबिंदु वाम पर्श को क्या क्या भितर रही है ना दुई आउ तीन भितर रही दुई आउ तीन यार भितर रही दुटा भर लाइन भितर रही बी डैश आउ सी डैश ये पॉइंट भितर रही ओके अच्छा दुई विभक्त तीन अर्थ कौन बोले ना सामान तीन भाग कर ठीक अच्छे ना सेथिरु केते भाग नवा ना दुई भाग नवा ठीक अच्छे तो दुई रु आउ तीन दुई थ्रु जो तीन ये जो रास्ता टी सामान तीन भाग करा जाओ से केते भाग नेबी ना सर दुई भाग नेबी ये तो कौटू कौन आसवि ना मूलबिंदु ठू बाहर ठीक अच्छे बोले मूलबिंदु रु बाहर एटिक जॉइन करदे यहाँ एत बड़ हो गला टिके आगे छोटिया बनाई दवा उचित ठीक अच्छे ना टिके छोट बना दि सपोज ये पॉइंटा ना यहाँ हूँ मोर पी पॉइंट तो ये हम यार मूल्य कैसे हम माइनस आठ विभक्त तीन बुझीगला तो किसी ऑब्जेक्शन अच्छी मत लगुच बुझी भाया ठीक अच्छे लास्ट क्वेश्चन यार एक्सरसाइज बोध ये लास्ट क्वेश्चन आउ क्वेश्चन नत लगुच ना अच्छे आउ क्वेश्चन ना ये लास्ट क्वेश्चन देखिए ओके लास्ट क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन आप रही भी आम सल्व करवा दे एक्सरसाइज ही फिनिश हो ठीक अच्छे अच्छा से कहते हैं फाइव बै टू कहे पाँच विभक्त दुई रईट अच्छा पाँच विभक्त दुई लिखा जहाँ अच्छा लिखा कथ पर चिंता करवा प्रथम कथ हूँ पाँच विभक्त दुई कि प्रकार भग्नांश सर पाँच विभक्त दुई हूँ अपकृत भग्नांश कहीं अपकृत भग्नांश ना सर यार लब बड़ अच्छे हर सान अच्छे एट धनात्मक अच्छे ना ऋणात्मक अच्छे ना सर धनात्मक अच्छे जदि धनात्मक अच्छे तेल ये मूलबिंदु कौन दिग्क जीव ना मूलबिंदु डाण दक्षिण पार्श्व को डाण पार्श्व को दैट मीन्स यही डिरेक्शन से मूव कर ठीक अच्छे पाँच युक्त दुई लिखा अर्थ ताको मिश्र कुमार भग्नांश को कन्वर्ट कर दुई रे दुई गुण चार योगफल एक तो यहाँ हूँ दुई पूर्ण एक विभक्त दुई दैट मीन्स पाँच विभक्त दुई लिखा जहाँ दुई पूर्ण एक विभक्त दुई लिखा एक कथ अच्छा दुई पूर्ण एक विभक्त दुईटा क्या क्या कौन दुईटा पूर्ण संख्या भितर आस सर दुई आउ तीन भितर आस दुई ठू टे टे अधिका तीन ठू कि कम ठीक अच्छे दैट मीन्स दुई रु तीन ये बी रु सी ये रास्ता या भितर सी रुझीगला ठीक अच्छे अच्छा बी रु सी को मुझे भाग करी ना सर एक युक्त दुई अच्छे मैंने दुई सामान दुई भाग करदे से मुझे भाग ने बोले ना सर गोटे भाग ने कौटा को ने इतनी पर्यटन ने दैट मीन्स यहाँ जब मोर पी पॉइंट हुए ठीक अच्छे ना यहाँ जब मोर पी पॉइंट हुए बर्तमान ओपी होते पे ओपी हूँ पाँच विभक्त दुई क्लीयर बुझीगला ना जो ऑब्जेक्शन नहीं प्रथम कौन कर ना आगे से ऋणात्मक अच्छी ना धनात्मक अच्छी ताको चेक कर जदि ऋणात्मक अच्छी तेल मूलबिंदु वाम पर्श को जीव जदि धनात्मक अच्छी मूलबिंदु दक्षिण पार्श्व को जीव एत कथा क्लीयर क्लीयर सरलापर चेक करवा ऋणात्मक धनात्मक सिंबल को छाड़ दिव बाकी जो भग्नांशटी रहीगला से भग्नांशटी एक्चुअली से भग्नांशटी एक्चुअली प्रकृत ना अपकृत जदि प्रकृत होती से शून्य रु एक भितर एक्जिस्ट कर और जदि ऋणात्मक होणात्मक वाला प्रकृत होने शून्य रु माइनस वन भितर ठीक अच्छे आज जदि धनात्मक होने शून्य रु एक भितर रदि अपकृत होता मिश्र भग्नांश को कन्वर्ट करदे सी क्या कौन दुटा पूर्ण संख्या भितर रोचु आगे बाहर करवापर क्वेश्चन टूपर ताको डायग्राम आम प्लस करदे ठीक अच्छे नेक्स्ट जावा आज एति तुमको फाइनाली कही रखुच्छे ये ट्यूशन एवं आप्लिकेसन हिसाब से गूगल प्ले स्टोर उपलब्ध जदि तुम मानक भिड गुड़ी भल लगुच तेज तुम्हें तुम सांगसाथी सहित सेयार कर पार ठीक है ना तुम समस्त क्लास में सब सब्जेक्ट रिड लेक्चर अवेलेबल से कहूँ जदि पसबल गूगल प्ले स्टोर आप्लिकेसन ये ट्यूशन आप्लिकेसन टी डाउनलोड करके थैंक यू फॉर द डे हैव अ गुड डे।